हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सफ़ेद बालों के बारे में। कुछ लोगों के समय से पहले ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं और कुछ लोगों में इन सफ़ेद बालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। देखिए, यूट्यूब पर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो ऐसी मिलेंगी जिसमें इन सफ़ेद बालों को निपटने के लिए काफ़ी ज़्यादा घरेलू तरीके बताए गए हैं, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर यह सफ़ेद बाल किन किन वजहों से होते हैं और इसको निपटने के लिए हमें एलोपैथिक टैबलेट में कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, छोटी सी वीडियो है, पूरी देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चलिए, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपकी एज 40 या 50 साल से ज़्यादा है और आपके बाल सफ़ेद होने लग रहे हैं तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह एक नेचुरल ही है। लेकिन अगर आपकी एज 15 से 25 साल के बीच में है और आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और कुछ लोगों में इन सफ़ेद बालों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको चिंता करने की ज़रूरत है। देखिए, सफ़ेद बाल होने के काफ़ी ज़्यादा कारण हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में मेलानिन की कमी। मेलानिन पिगमेंट हमारी बॉडी के बालों के कलर का उत्तरदायी होता है। यह बढ़ती एज के साथ साथ हमारी बॉडी में कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। लेकिन वहीं अगर कम एज में हमारी बॉडी से अगर मेलानिन पिगमेंट की कमी होने लगती है तो हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी होने से हमारी बॉडी की रासायनिक क्रियाएं ख़राब हो जाती हैं। इसके साथ साथ ब्लड सेल भी असंतुलित हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल कमज़ोर होने लगते हैं और सफ़ेद होने लगते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो आप न्यूरोवियन 4 टैबलेट मार्केट से परचेज कर लें। लगभग 1 रुपये की एक टैबलेट मिलती है, हर केमिस्ट पर आपको आसानी से मिल जाएगी। यह एक टैबलेट अगर आप डेली खाते हैं तो आपकी विटामिन B12 की कमी पूरी हो सकती है, क्योंकि इसमें विटामिन B12 पड़ा होता है। इसके साथ साथ इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी पड़ा होता है। इसके साथ साथ अगर हमारी बॉडी में आयरन और जिंक की कमी है तो हमको ये प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी बॉडी में आयरन और जिंक हमारे बालों को मजबूत बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर हमारी बॉडी में आयरन और जिंक की कमी होने लगती है तो हमारे बाल कमज़ोर होने लगते हैं और उसके साथ साथ बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अगर आपको थायराइड जैसी कोई प्रॉब्लम है और आपकी थायराइड कम या ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी हमारे बालों पर काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर आप मांसाहारी भोजन, हरी सब्जियां, फल फ्रूट, दूध दही का सेवन अच्छे से करते हैं तो आपको आयरन, जिंक और विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। वहीं अगर आप मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं और हरी सब्जियां, फल फ्रूट बहुत ही कम खाते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन B12, आयरन और जिंक की कमी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आप मार्केट से 420 टैबलेट परचेज कर लीजिए। इसमें आयरन, जिंक, विटामिन B12, फोलिक एसिड पड़ा होता है। यह टैबलेट अगर आप डेली एक टैबलेट खाते हैं, 1 महीने तक अगर आप इस टैबलेट को खाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी और आपकी इस प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा निजात मिल जाएगी। यह टैबलेट आपको हर केमिस्ट पर मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर मुझको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।